नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की जो लड़ाई है वो हम सोशल मीडिया से लेकर के जो है संसद और सड़क तक देखते आ रहे हैं, और इसी लड़ाई के बीच में जो है सबसे ज्यादा अहम मुद्दा जो उठाया जाता है वो है महंगाई का मुद्दा। और इस महंगाई के मुद्दे को लेकर के जो है लगातार बवाल मचा हुआ है, और इस बवाल को लेकर के सुप्रिया श्रीनेत का एक और बड़ा बयान सामने आ गया है, जिसमें वो यहाँ पर स्मृति ईरानी को लेकर के जो है बातें कहती हुई नजर आई। अपने ट्वीट के माध्यम से जो है उन्होंने ये बात साफ कर दिया कि यहाँ जिस तरीके से देखा गया था कि पहले सिर्फ 400 रुपए जो है सिलेंडर का दाम हुआ था, तो उस समय स्मृति ईरानी सड़कों पर उतर गई थी, बवाल मचा रही थी, लेकिन आज जब सिलेंडर का दाम 1100 पार होने वाला है तब स्मृति ईरानी जो है सड़कों पर क्यों नहीं उतर रही है? इसका मतलब ये है कि वो लापता है। तो उन्होंने जो है सभी लोगों को ये कहा है कि आप पोस्टर लगाइए लापता का और स्मृति ईरानी को ढूंढिए कि आखिरकार वो कहाँ है इतनी महंगाई की मार को लेकर के। तो आप देख सकते हैं कि स्मृति ईरानी को लेकर के जो है सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी को घेरा है और होली से पहले महंगाई की मार से जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से की जा रही ये कोशिश क्या बीजेपी के हेमे पर जो है यहाँ पर हड़कंप मचाने का काम करेगी या नहीं, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।